हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालक नोट्स। मेरा नाम पालक मिड्डा है और मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो थायराइड के ऊपर है, क्योंकि थायराइड एक फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बाहर से इंसान बहुत नॉर्मल दिखता है, बट अंदर ही अंदर इंसान मर रहा है। क्यों? उसकी वेस्ट लाइन बड़ी हो रही है। खाना किसको खाना नहीं अच्छा लगता, बट थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाया, मोटापा ज़्यादा। दूसरी चीज़, एक औरत की सुंदरता की फीचर्स, उसके बाल गिर रहे हैं, उसके बाल ड्राई हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं, छोटी छोटी बात पर रोना आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, छोटी से छोटी बात बड़ी लगती है, कभी बच्चों पर चिड़चिड़ापन और कभी हस्बैंड पर चिड़चिड़ापन। हम लोग कितना वेट करते हैं, कब सर्दी आएंगी, सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, बट थायराइड के पेशेंट्स वो लोग कोल्ड को झेल ही नहीं पाते हैं। थायराइड के पेशेंट्स को मोटिवेशन ही नहीं होती है, उसके ऊपर से सोशल मीडिया, हमेशा फोटो देखते रहते हैं, काश ये मैं होती, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स। ना तो उनसे एक्सरसाइज की जाती है, क्योंकि फटीग इतना होता है, ना ही कोई मोटिवेशन होती है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी, आपने अपने थायराइड के सारे सिम्टम्स को 90 दिन में कैसे रिवर्स करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये जानकारी आपके काम की हुई, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको 3-स्टेप प्रोसेस दूंगी, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका थायराइड 90 डेज में रिवर्स हो। और थर्ड स्टेप को ज़रूर देखना, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप काम के नहीं है अगर आपने थर्ड स्टेप को फॉलो नहीं किया। तो जो मेरा स्टेप नंबर 1 है, वो ये है, कभी आपने सोचा कि आपका थायराइड स्लो डाउन क्यों हुआ है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। थायराइड इसलिए स्लो डाउन हुआ है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड को किल कर रहा है। आपका थायराइड अंडर अटैक है, पर इस चीज़ को तो कोई टेस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले जाके आपने टेस्ट करवाना है TPO TG एंटीबायोटिक्स। मुझे मालूम है आपकी एंटीबायोटिक्स हाई आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ओवर 90% ऑफ पेशेंट्स जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो थायराइड की गोली खाते जा रहे हैं, बट अपने इम्यून सिस्टम को सेटल नहीं कर रहे हैं। तभी थायराइड पे अटैक होता जा रहा है, डोसेज बढ़ती जा रही है और सिम्टम्स आते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी एंटीबायोटिक्स हाई आई, आपने सबसे पहले मेरी वेबसाइट palaknotes.com पे जाके ऑटो इम्यून डाइट प्लान डाउनलोड करना है। ऑटो इम्यून डाइट प्लान क्या है? आप अक्सर ये देखते होंगे कि थायराइड के पेशेंट्स को ये नहीं खाना है, ये खाना है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करनी। ऑटो इम्यून डाइट प्लान के अंदर मैंने एग्जैक्टली वो सारे फूड आइटम्स ले लिए हैं जो कि स्टडीज दिखाती हैं थायराइड के पेशेंट्स की सिम्टम्स को और वर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवर 90% ऑफ थायराइड के पेशेंट्स जब अपना ग्लूटेन छोड़ देते हैं, उनको आराम आता है। तो आप जाके सबसे पहले डाइट प्लान शुरू करो, साथ में आप लोगे विटामिन D3 हाई डोज में। विटामिन D3 ऑटो इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती है, एंड विटामिन B12। स्टेज 1 में मैंने आपको B12 पता क्यों दी है? मुझे आपके एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए। यही एनर्जी आपको हेल्प करेगी स्टेप 2 और स्टेप 3 से जाने के लिए। जब आपने स्टेप 1 को अच्छे से कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 में आप काम करोगे अपने लिवर पे। क्यों? क्योंकि लिवर ही है जो आपके थायराइड हार्मोन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो आपकी बॉडी यूज करती है। आपका ब्रेन आपके थायराइड हार्मोन को सिग्नल देता है, उस सिग्नल का नाम है TSH। थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करो। आपका थायराइड ग्लैंड 2 तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T4 एंड T3। T4 का कोई काम नहीं है, T3 बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, बट आपका जो लिवर है वो T4 से T3 में कन्वर्ट करता है। और ये T3 ही है जो कि आपका वेट लॉस करता है, ये T3 है जो कि आपकी मेमोरीज, आपका ब्रेन, आपका डाइजेशन, आपकी मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। तो हमें T3 चाहिए, कैसे? लिवर पे काम करके। लिवर ही T3 बनाता है। लिवर को कैसे ठीक करना है, आप ये वीडियो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप अपने लिवर पे काम करो। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है डाइजेशन। हमारे थायराइड के सारे पेशेंट्स को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, बाहर गए छोटा मोटा खा लिया, घर आके पेट खराब। आपने अपने डाइजेशन को फिक्स करने के लिए प्री प्रोबायोटिक्स, आपकी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड्स ऐड करने हैं। उसके अलावा अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आप मेरी वेबसाइट palaknotes.com पे जाके हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से फ्री अपनी कंसल्टेशन बुक कर लोगे। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरी जर्नी में, इस 90 डेज की जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। एक प्याज के छिलके की तरह आपके सारे सिम्टम्स एक के बाद एक कम हो जाएंगे। हमने हजारों औरतों को हेल्प की है जिनको थायराइड के साथ
नी पेन था, फटीग था, हेयर फॉल था, डाइजेशन खराब थी, आज जीरो हेल्थ प्रॉब्लम। सो मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मेरे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपकी वेट कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेशन आज ही बुक कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि थायराइड के पेशेंट के साथ मैं खुद रह चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ आता था मेरी माँ छोटी छोटी बात पे क्यों रोती है, मुझे नहीं समझ आता दोपहर को वो सोने के बाद क्यों चिड़चिड़ी रहती है, मुझे नहीं समझ में आता था कि जब हमने घर से बाहर जाना होता था किसी शादी त्यौहार के मौके पर मम्मी के लिए सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों हो जाती थी। आपको उन सब चीज़ों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने इस चीज़ का सलूशन निकाल लिया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको थायराइड की और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।